चलो रीना, आज मैं तुम्हें पौष्टिक लड्डू के बारे में बताती हूँ। और तुम्हें पता है ये कितनी अच्छी है चीज़ है गर्भवती दीदी लोगों के लिए, धात्री दीदी के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है? नहीं दीदी, हमको तो नहीं पता है। पता है रीना, अक्सर घर घर में लोग लड्डू बनाते हैं, पर तुमने देखा है कि लड्डू किसी भी एक प्रकार के आटे से बनते हैं, पर आज जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं ना, उसमें कई अलग अलग भोज्य पदार्थों का समावेश हमने किया है, जैसे बेसन, गेहूं का आटा, मूंगफली, गुड़, कुछ रिफाइंड तेल, और साथ ही साथ जानती हो बहुत आसानी से मिलने वाली मेथी का दाना और तीसी, ये तो गांव के घर घर में मिल जाता है। और अगर जब हम सारी चीज़ों को मिला के जो लड्डू बनाते हैं ना, वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ मालूम है माँ को मिलने वाली आवश्यक ऊर्जा भी इससे प्राप्त हो जाती है। अच्छा दीदी, हम तो नहीं जानते। आज हम लोग लड्डू बनाना सीखते हैं, और साथ ही साथ इस लड्डू में जो भी हम लोग सामग्री डालेंगे उसकी शरीर में क्या आवश्यकता है उसकी भी जानकारी हासिल करते हैं। अच्छा चलिए दीदी, आज लड्डू बनाने का तरीका सिखा दीजिए, ताकि मैं भी सेंटर पे जाके सब दीदी को सिखाऊँ। चलो चलो चलते, ठीक है दीदी। अरे दीदी, ये तो लड्डू बनाने के लिए बहुत सारा सामान रखी है, इतना सामान क्यों? हाँ रीना, यही तो बात है, यही तो मैं तुम्हें बताना मांगती हूँ। तुम तो जान ही रही हो, देखो ये बेसन है, बेसन जो दाल के भोज्य पदार्थ समूह से आता है, और चना को इसको पीस करके बनाया जाता है। और ये देखो ये क्या है, ये बताओ, ये तो गेहूं का आटा है ना, आटा जो है वो अनाज समूह से आता है, और अनाज का आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, और इसे तो तुम जान ही रही हो। ये क्या है बताओ? शक्कर है दीदी। हाँ, ये शक्कर जो है ना, इस शक्कर का इस्तेमाल जो है हम गुड़ को जो इस्तेमाल है लड्डू बनाने के लिए, उसको बांधने के लिए करते हैं। और ये देखो ये तेल है, हम इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, या कोई भी रिफाइंड तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ये मूंगफली है, ये देखो ये मेथी दाल है, इसको हम लोग तीसी कहते हैं। रीना, मैंने तो तुम्हें पानी के बारे में बताने ही में भूल गई। पानी जो है अन्य भोज्य पदार्थों की तरह उतना ही महत्वपूर्ण इस अवस्था में जैसे बाकी चीज़ें, इसलिए हम पानी का भी इस्तेमाल इस लड्डू को बनाने में करेंगे। विशेष रूप से जब हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं उस समय हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और जब तुम दीदी लोगों को इसके बारे में बताओगी तो ये भी बता देना कि इसमें बहुत बड़ी किसी मशीन और किसी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक छोली एक कढ़ाई अगर हमें मिल गया तो हम छोटे छोटे बर्तनों के इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एक लड्डू को बना सकते हैं। चलो तो बनाना शुरू करें, चलो हाथ लगाओ, मैं तुम्हें बताती जाऊंगी। ठीक, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दो बीज है ना, मेथी और तीसी, बारी बारी इनको भूनेंगे। और भूनने के पहले हम देखते हैं कि देखो आँच से लगता है कि अब कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है, और उसको सोना सोना हम लोग इसमें सूखा भून लेंगे। चलो चम्मच ले लो, डालो, पहले मेथी भून लेते हैं। हाँ हाँ, पहले मेथी भून। चलो अब बारी है तीसी की। तीसी भी बड़ी गुणकारी है, लोग उसको इतनी महत्व नहीं देते हैं क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आज मैं तुम्हें इसके भी बारे में बताऊंगी। चलो भूनती जाओ, मैं बताती जाती हूँ। अब चलो अब बारी है मूंगफली की। अब मूंगफली को थोड़ा सा भून लेते हैं। बादाम तो भुया हो गया, आप निकाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हो गया है, इसको निकाल दो। लड्डू को अच्छे से बांधने के लिए इधर दिखाओ मुझे बादाम। लड्डू अच्छे से बन जाए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, या तो बेलन चौकी पे हम इसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा पीस भी सकते हैं, और नहीं तो हाथ से रगड़ के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम आधे आधे भागों में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दो, तब तक हम लोग फिर कुछ और कर लेते हैं। अच्छा दीदी, इसको दरद देने से, इसका छिलका जो है निकाल देने से साफ दिखेगा। हाँ चलिए, अब हमारी मेथी तीसी और मूंगफली तो तैयार हो गई। अब बारी है बेसन और आटे की। अब मैं थोड़ा सा तेल डाल के, आधा आधा डाल के बारी बारी बेसन और आटे को हम लोग भून लेते हैं। अच्छा दीदी, दोनों को अलग अलग भूनिएगा दीदी। हाँ दीदी, एक पाव तेल है, इसमें कितना तेल डालूं दीदी? बस आधा डाल दो उसका, क्योंकि देखो हमारे पास आधा किलो बेसन और आधा किलो गेहूँ का आटा है, दोनों मिला के एक किलो हुआ, उसमें हमको पाव भर तेल की आवश्यकता होती है। आधे तेल में हम बेसन, आधे तेल और आधे तेल में गेहूं का आटा। ठीक
अब चलो आ जाओ, धीरे धीरे छोड़ने की सहायता से तुम आटा डालो, आराम से आराम से, बस आराम से लगातार इसको चम्मच चलाते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर लगातार हम नहीं चलाएंगे तो एक तो आटा जलने लगेगा और दूसरे तेल की वजह से आटे में गुठली सी बन जाएगी, तो फिर हमें लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा दीदी, इसको धीमी आंच में भूनना है दीदी, और गुठली नहीं होना है, गुठली नहीं होना। दीदी आटा तो एकदम लाल हो गया है दीदी, अब निकाल ले क्या? बिल्कुल, अरे रीना तुम तो सीखते करते करते देखो ना कितना सुनहरा रंग हो गया, खुशबू भी आने लगी ना, सुंदी सुंदी। मैं ऐसे रखती हूँ, तुम इसको निकालो। चलो अब बेसन की बारी, जितना भी तेल है पूरा का पूरा तेल, सब तेल डाल देंगे। ध्यान रहे आधा तेल हमने आटे में डालो और आधा बेसन में डालो। थोड़ा सा तेल को पकना भी जरूरी है, तेल दीदी थोड़ा लाल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, धुआं सा आने लगे तो समझना है तेल तैयार हो गया, नहीं तो कच्चे तेल की महक आ जाती है। थोड़ा ध्यान से, बेसन जल्दी जलने लगता है, फिर देखो गुठले हो रहा है ना, इस धीमी आंच पे गुठला क्यों हो जाता है दीदी इसमें? ये तेल, तेल से आटा जो है या बेसन जो है जो तेल में सट करके वो गुठली बना देता है, तो लगातार चलाते रहने से गुठली को तोड़ देना है ताकि समान रूप से पूरे बेसन में तेल मिल जाए। दीदी अब तो ये लाल हो गया, निकाल लेते हो गया, अब इसे निकालो। चलो रीना, सारी चीज़ें तो तैयार हो गई, अब हम चाशनी बना लेते हैं शक्कर की। सबसे पहले हम पानी डालेंगे, ठीक है? पानी दीदी कितना डालेंगे इसमें? बस जैसे ये आधा किलो हमने शक्कर लिया तो करीब पाव भर पानी हम लोग, एक पौवा पानी में डाल दें। चलो रीना, अब इसमें पानी तो डाल चुके हैं, गुड़ डाल दो तुरंत दीदी, इसमें गुड़ डाल देना है। थोड़ा चला दो उसको, अब धीरे धीरे अपने आप गुड़ जो है इसको भी दीदी धीमे आंच में, हाँ इसको धीमे ही आंच में चाशनी बनाना है। अब आंच से गर्मी से गुड़ जो है अपने आप धीरे धीरे पानी में घुलने लगेगा। लाओ मैं इसको चलाती हूँ, जब तक तुम मूंगफली को तैयार कर लो। अच्छा दीदी, हम मूंगफली को छिलका इसका चला लेते हैं। हाँ बस रीना, अभी जो मेथी भुनी ना इसको थोड़ा सा तुम ठीक से पीस रही, इसको और अच्छे से पीस रही। ठीक है दीदी, मैं पीस लेती हूँ। अब तो हो गया दीदी? हाँ बिल्कुल हो गया, अब इसे कटोरी में। अब ये तीसी को भी थोड़ा सा हम लोग पीस लेंगे, ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है, जरा सा ज्यादा रखें। हो गया दीदी, अभी कर लें बस बस। हाँ दीदी, लगता है चाशनी बन गया। मुझे भी लग रहा है, जरा से देखो तो, देखने के तरीके तुम्हें पता है ना। हाँ बिल्कुल सही, एक तार बन रहा है क्या दीदी? बन तो रहा है, थोड़ा तरह लग रहा है, थोड़ा सा और जरूरत है ना, जरा सा तो नहीं ना, मुझे लगता है दीदी लगता हो गया। हाँ हाँ देखो देखो, तार बन रहा है क्या? हाँ ये देखो, ये एक तार बन रहा है ना, बस हो गया। चलो हम लोग जल्दी जल्दी इसमें अब बारी बारी कढ़ाई को दीदी नीचे उतार लेते हैं। हाँ चलो, ये भी मैं डालती जा रही हूँ, तुम जल्दी जल्दी चलाना, इसको जल्दी चलाना बहुत जरूरी होता है रीना, नहीं तो ये गुठला बन जाएगा। तो ये मेथी डाली और ये तीसी डाली, उधर से बादाम डालो तो सब बादाम डाल दो। हाँ सब डाल देती। अरे रीना ठहरो, थोड़ा सा हाथ भी जलेगा तुम्हारा, जरा सा पानी अपने हथेलियों में लगा लो तो। हाँ अब इसे बांध लो,
थोड़ा और छोटा रखो दीदी, ये तो जल रहा है बहुत। हाँ, जल रहा है, जल्दी जल्दी इसको करने की। ऐसा करो और भी दीदी लोग को बुला लेते हैं, फिर मिल करके हम लोग इसको बना लेंगे। नहीं, नहीं, देखो तो कितना आसानी से और कितनी जल्दी ये लड्डू बनके तैयार होगा। आप लोग ने देखा दीदी कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब आप लोग को भी रीना दीदी से सीख लेना है ये लड्डू, और अपने घर की गर्भवती दीदी और धरती दीदी को प्रोत्साहित करना है ऐसे लड्डू खाने के लिए, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। अच्छा दीदी, लड्डू तो बनकर तैयार हो गया। अब दीदी इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए दीदी? हाँ रीना, ये तो तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अगर सावधानी ना बरती जाए तो लड्डू जो है बनने में दिक्कत भी आ सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुरू से ही जब हम आँच का इस्तेमाल करें तो आँच जो होनी चाहिए हल्की यानी धीमी होनी चाहिए, और जब हम उसमें आटा या बेसन को भूनते हैं तो हमें लगातार चम्मच को चलाते रहने चाहिए। लगातार चलाने से क्या होता है कि आटा जो है समान रूप से भुनाता है, हर एक जगह पे एक समान रंग इसमें आता है और जलता नहीं है, और जो तेल इसमें डाला जाता है उसकी वजह से आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इसको हम गुड़ के शीरे में डालते हैं तो डालने से पहले जो तार बनता है उसको बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तार नहीं बना या तार ज़्यादा बन गया तो गुड़ जो है उसमें आटा डालने से या तो लड्डू नहीं बन पाएगा या लड्डू बहुत कड़ा हो जाएगा। तो तार के चाशनी के तार को भी ध्यान रखना है, और बनाते समय गरम गरम ही इसको औरोबी को बुला करके और गरम गरम हाथ से इसको लड्डू को बांध देना, क्योंकि ठंडा होते ही लड्डू बांधना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हथेलियाँ को जलने से बचाने के लिए हम हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके और हम बारी बारी से लड्डू को बांध दी। पौष्टिक लड्डू तो बनाने का तरीका आपने बहुत बारीकी से बताया, इसके लिए मैं दीदी आपको धन्यवाद देती हूँ। दीदी बहुत सही है ना, तुमने बिल्कुल सही कहा, ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, लोगों के बीच में इसकी चर्चा जरूर करना, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा केंद्र है वहाँ की जो रसोईया दीदी है उन्हें तो जरूर सिखाना, ताकि वहाँ पे जो दीदी लोग आए उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ प्रणाम प्रणाम दीदी।